चलिए आज हम लोग देखते हैं किस तरह से एक बेड बनाया हुआ है। उस बेड से आउट होल्डिंग है, मतलब अपने बल मतलब आपको स्पेस देता है और ये ऑटोमेटिक ऊपर खुल जाता है और दीवार में टच रहता है। आज उसके बारे में देखते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और इस चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। चलिए देखते हैं। अभी देख सकते हो इस तरह से बेड बना हुआ है, आप देख रहे हो इस तरह से बेड है। ये आपको कपाट जैसे दिखेगा, वार्डरोब जैसे ही दिखेगा, सेम टू सेम, लेकिन ये वार्डरोब नहीं है। आपको मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से, देख सकते हो आप इसके अंदर इतना ग्रू छोड़ा हुआ है, देख लो आप इस तरह से इसमें ग्रू छोड़ा है, और बीच में भी इसमें इस तरह से ग्रू छोड़ा है, और इसके अंदर वॉलपेपर आएगा, इसके ऊपर वॉलपेपर आएगा, और नीचे इस कटिंग जैसा बेस दिया गया हुआ है। आप देख सकते हो इस तरह से इस पर लैमिनेट भी लगाया हुआ है ऑटोमेटिक, आप देख सकते हो इस तरह से करके बनाया हुआ है, देख लो आप। और इसके खोलने के लिए कैसे है मैं आपको भी दिखा रहा हूँ किस तरह से खुलेगा। फ़िलहाल इसको हैंडल भी लगाना बाकी है, इस पर हैंडल लगेगा तभी ये खुलेगा। फ़िलहाल इसको भी खोलने के लिए इस तरह से खोला है, खोलने के लिए हम लोग बनाए हैं, हम खोल रहे हैं इस बेड को। देखिए इस तरह से अभी बेड को फिलहाल खोल रहे हैं हम। इस तरह से बेड को खोलना है, इस तरह से आप देखो इस तरह से खोलने का था। आप इसके अंदर भी पंप लगा हुआ है, आप देख सकते हो इसके नीचे पंप लगा हुआ है दो, और इस तरह से लैमिनेट है, और इसको आप देखिए पंप लगा है, और इसको आप इस तरह से यूं ही फोल्ड कर सकते हो, जैसे ही दिख रहे हो इस तरह से आप फोल्ड कर सकते हो, और इसको आप ऑटोमेटिक छोड़ सकते हो इसे। और इसके अंदर भी प्रेशर पंप लगा है, इस तरह से आपको नीचे आएगा, ये देखिए अब ये बेड नीचे आ रहा है टोटल इस तरह से, देखो अभी नीचे आ चुका है फिलहाल बेड, इस तरह से बेड दिखेगा आपको, देखिए इस तरह से है, और ये बेड इस तरह से ही दिखेगा। फिलहाल इसके ऊपर एक गादी आएगा, और यहाँ से एक रॉड आएगा जिसके गादी को रबर से फिक्स कर दिया जाएगा। और आप देख सकते हो अंदर की भी फिटिंग है, इस तरह से फिटिंग है टोटल, ये रॉड की जैसा इतने हाइट की फिटिंग है, और इसको फिक्स किया गया है नीचे से भी। और इसको की फिटिंग का इस जो वेट की फिटिंग है इसको फिट करने कैसे है, नीचे से इस कटिंग से 5 इंच, नीचे से इस कटिंग से ऊपर करके 5 इंच, ये वेस्ट जो इसका आता है उसके हिसाब से वहाँ फिट करना है नीचे है, ठीक है। इस तरह से फिटिंग करेंगे तो आप इसका लेवल जो होता है 18 इंच के आसपास आ जाएगा। और इसके देखिए सपोर्ट के लिए क्या लगाया हुआ है ऊपर, देखिए आप सपोर्ट के लिए इस तरह से दो लगाया हुआ है, एक वहाँ और एक यहाँ। इसके ऊपर जाके ऑटोमेटिक ये अपना यहाँ पे लकड़ी यहाँ पे फिट हो जाता है, जिसके थ्रू ये अंदर नहीं जाता है और लेवलिंग रहता है। और इसके अंदर आप चाहोगे तो हेडबोर्ड भी बना सकते हो, फिलहाल अभी यहाँ तो बना नहीं है। और आप देख सकते हो ये 12 mm की टोटल प्लाई है, ये बाहर से जो प्रेसिंग की हुई है सब टोटल 12 mm की है। देखिए इस तरह से, इस तरह से आपको डिज़ाइन दिखेगा, आप देख सकते हो, और टोटल लैमिनेट लगा हुआ है इस तरह से, इस तरह से आप देख सकते हो। देखो ऊपर किस तरह से करके, इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको उठाना है ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से आप फोल्ड भी कर सकते हो इस तरह से, ये देखो इस तरह से, और इसके अंदर पंप जो लगाया है इस तरह से आप ऑटोमेटिक खुलेगा, और इस तरह से ये खुलेगा, और ये ऑटोमेटिक इस तरह से अंदर भी चला जाएगा, ये बस इसका ये, आप इसके चाहोगे तो इस तरह से बंद भी कर सकते हो, इस तरह से चाहोगे तो बंद भी कर सकते हो, बेड तैयार हो गया। इस तरह से बेड बनाने का है, इस बेड बनाने में बहुत इजीली है, फिलहाल ये फोल्डिंग बेड है। और वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़
इसको एक लाइक जरूर करिए, प्लस इस चैनल पर अगर नए हो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, प्लस इस बेड के बारे में हर कारपेंटर भाई को जरूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखिए, चलिए गुड बाय, धन्यवाद।